if you have not subscribed to the channel yet then subscribe to the channel and press the bell icon hello and welcome back my dear students we have completed up to this part and now we will be starting with ribosomes this particular topic or emra lecture number four the previous three lectures of this chapters have already been done and they are arranged in proper sequence in a playlist

आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां से राइबोजोम्स इस सेल से सो वॉट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग द डिफरेंट सेल द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल द एनिमल सेल एज वेल से प्लांट सेल तो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर लिया था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में ही और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां से राइबोजोम्स से ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं राइबोसोम्स को कहते हैं द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस दिस इज अ वेरी वेरी यू नो फ्रेज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट कैन कैन दैट बी इन योर एग्जाम दे कैन गिव इन योर एग्जाम दिस पार्ट विच सेल ऑर्गेनल इज नोन एज साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस तो तुम्हें लिखना होगा राइबोसोम्स

और उसे हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये जो फिगर है इसमें तुम देख सकते हो यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया हुआ है इस रेटिकुलम में इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई भी राइबोसोम्स अटैच नहीं है लेकिन इस फिगर को देखो इसमें छोटे छोटे राइबोसोम्स अटैच है तुमको अगर जूम करके दिखाऊं तो दिख रहा है ना दीज डॉट्स दीज डॉट्स दीज ग्रेन्यूल्स अटैच टू द मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसे हम कह रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ठीक है यू कैन सी द लेबलिंग हैज बीन डन कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बड़ा इजी चीज है तो ये स्कैटर्ड फ्रीली भी हो सकता है साइटोप्लाज्म में या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दे देर अटैच दस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फिर ये वही पॉइंट है दीज आर द फैक्ट्रीज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन यानी इसे हम साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बोलते हैं तो याद कर लो मैं तुमसे अगर कभी भी पूछूं या कोई भी एग्जाम में तुमसे पूछा जाए कि विच सेल ऑर्गेनल इज नोन एज साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस या फिर फैक्ट्री फॉर प्रोटीन सिंथेसिस तुरंत बोलना है राइबोजोम्स ठीक है अब नेक्स्ट चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से इसके बाद का जो सेल ऑर्गेनल हमें पढ़ना है वो है माइटोकॉन्ड्रिया द सेल्स एनर्जी प्रोड्यूसर्स इन सारे चीजों को याद रखना सेल का जो एनर्जी वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस होता है यानी माइटोकॉन्ड्रिया वो जगह है जहां सेल रेस्पिरेशन होता है और एनर्जी रिलीज होता है वेरी इंपॉर्टेंट थिंग माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है सेल रेस्पिरेशन होता है सेल रेस्पिरेशन होता है और जिसके वजह से एनर्जी रिलीज होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो कोई तुमसे पूछे विच इज नोन सेल सेल वॉटनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल तो बोलना को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं ये जो बातें मैं बोल रहा हूं ना इतना इंपॉर्टेंट है इतना इंपॉर्टेंट है तुम अगर इसको सीरियसली नहीं लोगे तो तुम फिर बाद में पछताओगे इसको अभी सुन जरूर रहे हो लेकिन दिमाग में भी रिकॉर्ड करो माइटा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने क्या क्या बताया मैंने बताया कि ये वो जगह है जहां पर सेल रेस्पिरेशन होता है यानी एनर्जी रिलीज यहीं से होता है सो so, क्या लिखा गया है बुक में द सेल्स एनर्जी प्रोड्यूसर और मैंने एक वर्ड यूज किया एक फ्रेज यूज किया पावर हाउस ऑफ द सेल इसे भी हम ये भी यूज होता है माइटोकॉन्ड्रिया के लिए अगर हमें माइटोकॉन्ड्रिया को रेफर करना है तो हम ये बोल सकते हैं कि दीज आर दावर दी हाउस ऑफ द सेल पावर हाउसेस ऑफ द सेल तो चलो पढ़ते हैं इसको मिटा मिटा देते हैं थोड़ा साफ दिखेगा नाउ लेट मी रीड इट द माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर इज आर स्फेरिकल रॉड शेप्ड और थ्रेड लाइक बॉडीज इसका वेरियस टाइप्स ऑफ शेप्स हो सकता है हो सकता है स्फेरिकल शेप हो रॉड लाइक शेप हो थ्रेड लाइक शेप हो दीज आर अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोल्ड में लिखा गया है दीज आर माइन्यूट डबल वॉल्ड बैग्स

फिगर में तुम्हें दिखाऊ देखो फिगर को क्लियरली देखो मैं प्रॉपर वे में ड्रॉ भी करूंगा लेकिन अगर तुम्हें यहाँ दिख रहा है एक माइटो कॉन्ड्रिया माइटो कॉन्ड्रिया माइटो कॉन्ड्री ऑन है सिंगुलर में माइटो कॉन्ड्री ऑन बोलेंगे लग रहा है ना कि बैग जैसा अंदर में कुछ है

ये ये सारे जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है अंदर के तरफ दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन टी ए क्रिस्टी सो दिस इज द फिगर ऑफ अ पर्टिकुलर माइटो पॉन्ड्रियॉन फ्लूरल में माइटोकॉन्ड्रिया ओके आई यू गेटिंग माई पॉइंट इट्स सो सिंपल सो नाउ

उंड एड एन ट्राइफेट अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही सब चीज से तो क्वेश्चन पूछता है तो ये जो एनर्जी रिलीज हुआ ये एनर्जी स्टोर रहता है ओके okay, किस फॉर्म में स्टोर रहता है फॉर्म ऑफ एन एनर्जी रिच कंपाउंड तो एनर्जी रिच कंपाउंड जिसका नाम है कौन सा एनर्जी वो एनर्जी जो माइटोकॉन्ड्रिया ने प्रोड्यूस किया रिलीज किया सो so, माइटोकॉन्ड्रिया ने जिस एनर्जी को रिलीज किया सेल रेस्पिरेशन करके वो एनर्जी स्टोर्ड रहता है किस फॉर्म में एटीपी के फॉर्म में वेरी इंपॉर्टेंट एटीपी का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछता है इसको मेरे साथ साथ अभी इसका फुल फॉर्म और इसका स्पेलिंग याद करो एडिनोसिन एडीएन एडिनोसिन -E ट्राई फॉस्फेट टी आर आई फिर फॉस्फेट लिख दो पी एच ओ एस ए टी ई और इसको अभी भी याद करो ए टीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट और ये क्या होता है ये बेसिकली एक एनर्जी रिच कंपाउंड होता है एनर्जी रिच कंपाउंड होता है एटीपी इज एन एनर्जी रिच कंपाउंड और ये वही कंपाउंड है जिसके फॉर्म में ये एनर्जी स्टोर्ड है जो एनर्जी रिलीज हुआ है सेल रेस्पिरेशन के वजह से माइटोकॉन्ड्रिया में सब चीज क्लियर है ये एनर्जी यूज कहाँ होता है इट इज यूज इन वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ द सेल तो कहां पे यूज होता है ये भी याद रखना दिस एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इज यूज्ड इन वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शन सेल सो मेनी इम्पोर्टेंट पॉइंट इन दिस पैराग्राफ इट सेल एंड इन टर्न ऑफ दॉडी फिर पूरे सेल का मेटाबॉलिक फंक्शन को तो ये एनर्जी की वजह से किया जाता है और पूरे ओवरऑल बॉडी का भी क्योंकि ओवरऑल बॉडी में भी थाउ म तो वही सेल जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है उस एनर्जी से सेल के मेटाबॉलिक फंक्शंस भी हो रहे हैं और ओवरऑल बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म का भी हो रहा है सम पीपल कॉल द कॉन्ट्रिया एज पावर हाउसेस ऑफ द सेल क्यों पावर हाउस कहा जा रहा है क्योंकि यहीं पे तो एनर्जी रिलीज हो रहा है ना तो यही तो पावर हाउस है ठीक है कोई तुमसे पूछे सेल पूछेल इज नोन एज द पावर हाउसेस ऑफ द सेल तो बोलना माइटो एंड गिव अ रीजन व्हाई इज नोन एज द पावर हाउसेस ऑफ सेल तो क्या बोलोगे इटोकॉन्ड्रिया इज द साइट वेर सेल रेस्पिरेशन अकर्स एंड एनर्जी इज रिलीज देयर फोर माइट्रोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल कितना ईजी है ना अब नेक्स्ट में चलते हैं गोल्जी पैर दिस इज नोन एज द डेलीवरी सिस्टम ऑफ द सेल ये सारी चीजें जो इसके साथ लिखा हुआ है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के साथ लिखा हुआ है सेल्स एनर्जी प्रोड्यूसर्स राइबोजोम्स के साथ लिखा हुआ था प्रोटीन सिंथिस और अभी गोल्जियटस में लिखा हुआ है द डेलिवरी सिस्टम ऑफ द सेल ये सारी बातों को याद रखना द गॉल पैराटस फिल्मेंट्स और रॉड्स शेप को भी याद रखना विच आर सपोज टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से ओरिजिनेटेड है दीज आर वेरी स्मॉल वेसिकल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स अलग अलग शेप्स के होते हैं

फंक्शन को याद कर लेना का एक्सक्लूसिवली प्लांट सेल में एनिमल uh, सेल में ही होता है लेकिन प्लांट सेल में इसी टाइप का एक सेल सेलॉगेल है जिसे डिक्टियोजोम्स कहते हैं ठीक है नाउ कमिंग टू लाइजोजोम्स लाइजोजोम्स है द इंट्रासेलर डाइजेस्टिव सेंटर इंट्रा डाइजेस्टिव सेंटर यहां पर जो गोल्जी बॉडी लिखा गया है तुम्हारा प्लांट सेल में इसको प्लांट सेल में डिक्टियोजोम्स कहते हैं तो चेंज कर लो वी डोंट कॉल गोल्जी बॉडी इन प्लांट सेल डिक्टियोजोम कहते हैं ठीक है वैसे दोनों का काम सेम रहता है गोल्जी बॉडी जो एनिमल सेल में बोल रहे हैं या गोल्जी पैरटस वही काम डिक्टिओजोम करता है प्लांट सेल में नाउ कमिंग टू लाइजोजोम्स वंस अगेन लाइजोजोम्स तो लाइजोजोम्स को कहते हैं इंट्रा सेल्यूलर डाइजेस्टिव सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट और लाइजोजोम लाइजोजोम्स को हम लोग कहते हैं सुसाइड बैग्स या फिर सुसाइडल बैग्स दोनों से सही है सुसाइडल बैग बोलो चाहे सुसाइड बैग बोलो नाम बड़ा अजीब है ना आत्महत्या बैग <laughs> अब क्यों इसे सुसाइड बैग बोलते हैं या सुसाइडल बैग बोलते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्क, डिस्कस करेंगे

तो उसको वो डिस्ट्रॉय करता है अपने से डिस्ट्रॉय करता है और डाइजेस्ट भी कर देता है डाइजेस्ट भी कर लेता है यानी उसको साथ -साथ तो जब सेल स्टार खाना नहीं मिल रहा है तब जो स्टोर्ड फूड है सेल के अंदर जो स्टोर्ड फूड है उसको भी डाइजेस्ट करता है लाइजोजोम्स

या खुद को ही डिजोल्व कर लेते हैं मतलब कि एक पर्टिकुलर सेल का लाइजोजोम अपने आप को ही डिजोल्व कर लेता है ओके okay, अगर वो सेल वीक बन गया है या डेमेज बन गया है तो रीड द लाइन अगेन मेनी सेल्स आर रैपिडली डिस्ट्रॉयड और डिजोल्व बाईन लाइजोजोम के द्वारा वो डिजोल्व या डिस्ट्रॉयड हो जाता है एंड हेंस आर ऑल्सो नोन एज सुसाइड बैग्स तो एक तरह का लग रहा है ना कि आत्महत्या कर ले रहा है अपने आप को ही खत्म कर दे रहा है So lysosomes are known as suicidal bags. Now don't confuse between ribosomes and lysosomes. जो हमने ribosomes पढ़ा यहाँ पर point number two में ribosomes उसे हम site for protein synthesis बोलते हैं. Okay. And lysosome is a different cell organelle जिसे हम suicide bag बोलते हैं और उसका reason भी मैंने बता दिया है. ये बहुत important point है कि lysosome को suicide bag क्यों बोलते हैं.

from which spindle fibers develop during cell division both in mitosis and meiosis ab ghabrao nahi ye mitosis meiosis kya hai bhai abhi abhi nahi padhe ho cell division padhoge cell division padhoge class 10th mein hai cell division to cell division do tarike ka hota hai mitosis aur meiosis hota hai cell division okay and mitosis और meiosis दोनों type के cell division में cell division का मतलब जब cell एक सेल reproduce करता है और उससे हम अलग और मीन न्यूमरस सेल्स बनता है एक सेल से तो दैट इज सेल डिविजन तो ये दो तरीके का होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस दोनों टाइप्स ऑफ सेल डिविजन में एक ऐसा स्टेज आता है जहां पर स्पिंडल फाइबर्स डेवलप होता है स्पिंडल फाइबर्स के बारे में भी लेटर डिस्कस करोगे जब सेल डिविजन पढ़ोगे तो घबराने वाली बात नहीं है कुछ स्पिंडल फाइबर्स एक स्ट्रक्चर है जब सेल डिविजन होता है तो ये डेवलप करता है और ये सेल सेल डिवीजन के समय ये जो स्पिंडल फाइबर डेवलप करेगा ये सेंट्रोजोम से ही डेवलप करता है इसीलिए ये सेंट्रोजोम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सेल डिवीजन में एक बार जो मैंने अंडरलाइन किया है उसको पढ़ते हैं और समझते हैं ठीक है तो क्या लिखा हुआ है सेंट्रोजोम इज फाउंड ओनली इन एनिमल सेल इट इज अ क्लियर एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म के पास साइटोप्लाज्म में एक क्लियर एरिया है जो न्यूक्लियस के क्लोज रहता है साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के पास एक क्लियर एरिया है और वो, वो ऐसा एरिया है जहां से स्पिंडल फाइबर निकलता है फ्रॉम विच स्पिंडल फाइबर डेवलप ड्यूरिंग सेल डिविजन बोथ इन माइटोसिस एज वेल एज मी ऑसिस सेंट्रोजोम में दो सेंट्रिय होते हैं देखो ये भी इंपॉर्टेंट है द सेंट्रोजोम कंटेन्स टू सेंट्रिय फिगर में देखो एनिमल सेल में चलते हैं क्योंकि प्लांट सेल में होता ही नहीं है देखो यहाँ पे ये एक सेंट्रियोल है और ये एक सेंट्रियोल है ये दोनों मिलके ये बना हुआ है दिस क्लियर रीजन द क्लियर रीजन इज सेंट्रोजोम और सेंट्रोजोम में देखो दो सेंट्रियोल्स हैं लेकिन दोनों सेंट्रियोल कुछ अलग अलग दिख रहा है, है ना यहाँ पे देखो एक सेंट्रियोल ऐसा होता है लाइन जैसा और एक छोटा सा डॉट होता है इस तरह का और क्या लिखा हुआ है पहले इसको पढ़ते हैं पढ़तेमेंट्स अरेन्ज एट राइट एंगल्स टू ईच अदर आर अरेन्ज एट राइट एंगल्स टू ईच अदर देख रहे हो तुम्हें ऐसे फिगर में दिख रहा है कि नाइनटी डिग्री का एंगल बना के है वो है ना मतलब क्या कि ये हमेशा इस तरह से ही अपियर करता है एक नाइन्टी डिग्री का एंगल बनाता है ऐसा लग रहा है ना कि ये पर्टिकुलर अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये नाइन्टी डिग्री बनेगा मतलब इस तरह से वो नहीं रहता है कि ऐसा और ऐसा ये नाइन्टी डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है दोनों के बीच सो इट डज नॉट अपियर लाइक दिस इट अपियस लाइक दिस और लाइक दिस आई गेटिंग

सेंट्रोजोम क्लियर रीजन है साइटोप्लाज्म में क्लोज टू द न्यूक्लियस होता है और इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि यहीं से स्पिंडल फाइबर्स निकलता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन बोथ इन माइटोसिस एंड मियोसिस सेंट्रोजोम के पास दो सेंट्रियोल्स होते हैं एंड बोथ आर अरेंज्ड इन नाइनटी डिग्री मतलब राइट एंगल में और एक होता है ऐसा गोल्ड और एक होता है इस तरह से एक लाइन टाइप का दीज आर शॉर्ट बंडल्स ऑफ माइक्रोफिलाेंट्स ओके अगर कोई पूछे क्या होता है सेंट्रियोल्स तो बोलना शॉर्ट बंडल्स ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स सेंट्रियोल्स क्या होते हैं शॉर्ट बंडल्स ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स बस याद करना है इतना इजी है तुम लोग इसको अगर याद कर लोगे फटाफट दिमाग में आ जाएगा तुरंत इसीलिए मैं पार्ट पार्ट में बता रहा हूं ताकि याद आ जाए सेंट्रियोल को क्या कहा जा रहा है शॉर्ट बंडल्स ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स और उसके बाद दे आर अरेंज्ड एट राइट एंगल्स टू इच अदर इतना ही तो सिंपल है है ना हो गया सेंट्रोजोम इसके बाद है प्लास्टिड्स और ये सिर्फ पाया जाता है प्लांट सेल में ही एनिमल सेल में नहीं होता है प्लास्टिड्स दीज आर स्पेशल ऑर्गेनल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स ओवल स्फेरिकल एंड डिस्क शेप्ड तो प्लास्टिड्स होते हैं सिर्फ प्लांट सेल में और इसके अलग अलग शेप्स हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कलर दे बड़ा कर लेते हैं कलर दे इम्पार्ट प्लास्टिड्स आर क्लासिफाइड इनटू ल्यूकोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट सो प्लास्टिड्स के तीन मेजर टाइप्स हैं यहां पर और वो तीनों मेजर टाइप किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है डिपेंडिंग ऑन दी कलर दे इम्प्ला इम्पार्ट यानी प्लास्टिक कलर इम्पार्ट करता है कलर इम्पार्ट करते हैं और वो कौन सा कलर इम्पार्ट करता है उसके आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है ल्यूको प्लास्ट क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट अब पढ़ते हैं ल्यूको प्लास्ट ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट सो दीज आर कलरलेस प्लास्टिड्स कोई तुमसे पूछे कि कलरलेस प्लास्टिड का नाम क्या है बोलना ल्यूकोप्लास्ट ये प्लास्टिड ही है लेकिन व्हाइट कलर इंपार्ट करता मतलब कलरलेस कोई भी कलर इंपार्ट नहीं करता दे हैव नो पिगमेंट कोई भी पिगमेंट नहीं होता इसीलिए तो कलरलेस है दे स्टोर स्टार्च इसमें स्टार्च स्टोर रहता है सेल्स ऑफ अ पोटैटो सेल्स ऑफ अ पोटैटो हैव लॉट्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट इन देम अ पोटैटो को अगर काटोगे तो देख रहे हो ना अंदर में पूरा व्हाइट रहता है कलरलेस रहता है कोई कलर नहीं रहता एक पोटैटो का बिकॉज उसमें कोई पिगमेंट ही नहीं है ल्यूकोप्लास्ट में और पोटैटो के जो सेल्स से है अंदर में वो उसमें बहुत सारे ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ओके okay. तो ल्यूको के बारे में क्या क्या पढ़ा कि वो होता है कलरलेस प्लास्टिक फर्स्ट पॉइंट इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता नो पिगमेंट एंड दे स्टोर स्टार्च ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो तीन पॉइंट्स पढ़ा वन टू थ्री ल्यूकोप्लास्ट के बारे में अगर मैं तीन चीजें पूछूं तो बता सकोगे कलरलेस प्लास्टिड फर्स्ट पॉइंट सेकंड दे हैव नो पिगमेंट एंड थर्ड दे स्टोर स्टार्च और कहां पे पाया जाता है एक एग्जांपल अगर पूछूं तो बताना सेल्स ऑफ पोटैटो हैव लॉट ऑफ ल्यूकोप्लास्ट नेक्स्ट है क्रोमोप्लास्ट क्रोमो Chromo का मतलब होता है कलर और इसमें अलग अलग कलर के प्लास्टिक येलो कलर ऑरेंज कलर रेड कलर तो दीज आर वेरियसली कलर्ड प्लास्टिक्स येलो ऑरेंज रेड इसको एक ही ग्रुप में डाल दिया गया है क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं एंड दे आर मोस्टली प्रेजेंट इन पेटल्स ऑफ फ्लावर्स एंड इन फ्रूट्स तुमने देखा है कि फूलों के अलग अलग रंग होते हैं लाल ऑरेंज ग्रीन येलो ग्रीन तो नहीं होता ग्रीन इज योर क्लोरोप्लास्ट रेड येलो ऑरेंज ओके सो दीज कलर्स आर बिकॉज ऑफ दिस क्रोमोप्लास्ट एंड द कलरिंग सबस्टेंस आर नोन एज पिगमेंट्स एसोसिएटेड विद आर जैंथोफिल ट इजोफिल याद रखना द येलो पिगमेंट इन द्लोमोप्लास्ट इज नोन जैंथोफिल एंड कैरोन इज द ऑरेंज और रेड पिगमेंट अगर कोई फूल ऑरेंज या रेड कलर का दिख रहा है यानी उसमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है कैरोटीन और अगर कोई येलो कलर का फूल हमें दिख रहा है जैसे येल्लो रोज हमें अगर दिख रहा है तो उसमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है जैंथोफिल एंड यू है बोलो मेरे साथ कैरोटीन याद हो गया कैरोटीन इज येलो पिगमेंट आई एम सॉरी कैरोटीन इज ऑरेंज रेड पिगमेंट जैंथोफिल इज येलो पिगमेंट याद हो गया सम कलरिंग पिगमेंट एज ब्लू वायलेट एंड पर्पल आर नॉट एसोसिएटेड विद प्लास्टिड्स इंस्टेड दे रिमेन डिजॉल्व इन द सेल्स एंड गिव दैट कलर टू द प्लांट स्ट्रक्चर सच पिगमेंट आर कॉल्ड एंथोसाइन अब कुछ ऐसे पिगमेंट है जिसके वजह से ब्लू वायोलेट और पर्पल कलर आता है उन पिगमेंट्स को बोलते हैं एन्थोसायनिन्स. तो एंथोसाइन पिगमेंट का क्या कलर इम्पार्ट होता है ब्लू वायोलेट पर्पल इस तरह का कलर एंथोसाइन से आता है कैरोटीन पिगमेंट से क्या कलर आता है ऑरेंज या रेड जैंथोफिल से येलो। लेकिन ये डिफरेंस है कि जैंथोफिल और कैरोटीन क्रोमोप्लास्ट से एसोसिएटेड होते हैं लेकिन आर नॉट एसोसिएटेड विद क्रोमोप्लास्ट, प्लांट स्ट्रक्चर ठीक है तो पिगमेंट के नाम और उसका कोरोस्पॉन्डिंग कलर तुमको याद रखना है और ये जो क्लोरोप्लास्ट है जिसमें कौन सा पिगमेंट रहता है क्लोरोफिल और ये नाम पहले भी सुने हो क्लास फोर में भी सुने होगा क्लोरोफिल

Is leaves. Leaves में सबसे ज्यादा प्रेजेंट रहता है ग्रीन कलर के लीव्स होते हैं दे हैव अदर पिगमेंट्स सच एज ऑरेंज एंड येलो कई लीव्स में देखे हो गए ना कि येलो स्पॉट्स या ऑरेंज कलर के डिजाइन भी रहते हैं येलो कलर के डिजाइन रहते हैं उसमें स्पॉट्स रहता है ड्राई लीफ की बात नहीं कर रहा हूँ एकदम फ्रेश लीफ है लेकिन उसमें डिजाइन रहता है ओके ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लीव्स में देखोगे उसमें ऑरेंज येलो स्पॉट्स भी रहते हैं देखने में सुंदर लगता है तो लीफ में क्लोरोफिल के अलावा जैंथोफिल और कैरोटीन भी हो सकता है इसी वजह से तो ऑरेंज या रेड कलर भी रहता है बट दीज पिगमेंट्स आर मास्क बाई लार्ज क्वानिटीज ऑफ क्लोरोफिल लेकिन सबसे ज्यादा क्या रहता है क्लोरोफिल और ये सारे पिगमेंट्स जैंथोफिल और कैरोटीन अधिकतर केसेस में क्लोरोफिल से मास्क्ड रहता है देयर फंक्शन इज टू ट्रैप सोलर एनर्जी ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्लोरोप्लास्ट का

उसका अपना डीएनए होता है और वो डिवाइड करने की यानी मल्टीप्लाई देखो बायोलॉजी में मल्टीप्लाई और डिवाइड का मतलब सेम है मतलब यही है कि रिप्रोड्यूस करना सेल सेल मतलब कि एक से अनेक सेल्स बन सकते हैं एक क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट से अनेक क्लोरोप्लास बन सकते हैं तो उसे हम डिविजन या मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं तो क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लासेंट डीएनए कैपेसिटी टू डिवाइड ठीक है अब यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है इस ब्लू बॉक्स में जो कई बुक्स में आ, सही माना जाता है लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्साइज ये गलत है सम पीपल डिस्क्राइब क्लोरोप्लास्ट एज किचन ऑफ द सेल इट इज अ रॉन्ग एनोलॉगी तो देखो कॉन्साइज बायोलॉजी के अनुसार क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल नहीं बोलना चाहिए और उसका रीजन भी उन्होंने दिया हुआ है देखो क्लियर कट लिखा हुआ है कि किचन ऑफ द सेल रॉन्ग एनोलॉगी है लेकिन तुम देखोगे बहुत सारे ऐसे ऐसी बुक्स हैं इवन गूगल में तुम्हें मिल जाएगा अच्छे खासे वेबसाइट्स में तुम्हें मिल जाएगा किचन ऑफ द सेल इज क्लोरोप्लास्ट आर नोन एज किचन ऑफ द सेल ये तुम्हें बहुत कॉमनली मिलेगा बहुत सारे बुक्स uh, में भी मिलेगा लेकिन कॉन्साइज बायोलॉजी इस बात को कहता है कि ये गलत है ठीक है अब कंसाइज जो बुक है ये एक स्टैंडर्ड बुक है हमें इसी को मानना चाहिए वैसे अब डिफरेंट टीचर्स के डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं इस बारे में एनीवे अकॉर्डिंग टू कॉन्साइज बायोलॉजी वी शुड नॉट राइट

वो रेड में चेंज हो गया तो भाई क्या हुआ एक्चुअली क्योंकि तो पिगमेंट ग्रीन जब था तब तो क्लोरोफिल क्लोरोफिल है इसलिए ग्रीन है और रेड जब वो बन गया तो कैरोटीन है तो फिर कैसे ये संभव हुआ इसको हाउ डज ग्रीन टर्न इनटू रेड रॉ एंड अनराइप चिलीज है ना कई बार जो कच्चे मिर्च होते हैं हरी मिर्च वो ग्रीन कलर का है लेकिन वो घर में रखे रखे कई बार पक जाता है तो वो लाल हो जाता है हाउ दैट हैपन सो क्लोरोफिल इसमें तो कोई डाउट नहीं कि है डिजेनरेट करता, करता, करता है और एक्चुअली कैरोटिन तो पहले से ही था लेकिन वो मास्कड था मतलब वो ढका हुआ था क्लोरोफिल से ढका हुआ था मास्कड किया हुआ था कैरोटीन लेकिन जब क्लोरोफिल डिजेनरेट कर गया द मास्कड रेड ज बिकॉज ऑफ द कैरोटीन पिगमेंट दैट टेक्स ओवर और इसीलिए वो रेड दिखने लगता है ओके okay. अब कुछ नॉन लिविंग सब्सटें सेल ऑर्गेनल उसे हम नहीं बोलते हैं जनरली हम उसे सेल इंक्लूजन बोलते हैं अभी तक हमने जो पढ़ा वो सारे लिविंग कॉम्पोनेंट्स ऑफ द सेल थे उसे सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं लेकिन अभी जो नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट ऑफ सेल है जिसे हम सेल इंक्लूजन बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स नहीं बोलते हैं जेनरली नहीं बोलते हैं तो उनके नाम हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट इज आर मेनी स्मॉल पार्टिकल्स इन द पार्टिकल्स आर टू कंटेन फूड सच एज स्टार्च ग्लाइकोजन एंड फैट्स तो उसे हम ग्रेन्यूल बोलते हैं स्मॉल पार्टिकल्स होता है साइटोप्लाजम में जो क्या कंटेन करते हैं फूड मटेरियल जैसे स्टार्च ग्लाइकोजन फैट्स ठीक है इजी है इसके फंक्शन को याद कर लिया स्मॉल पार्टिकल्स होता है साइटोप्लाज्म में और क्या कंटेन करता है फूड पार्टिकल्स जैसे स्टार्स ग्लाइकोजन फैट्स एकदम फटाफट याद करो फिर है वैक्यूल्स वैक्यूल्स आर सर्टेन क्लियर स्पेसेस इन द साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म के अंदर क्लियर स्पेस होता है और ये मैंने पहले भी बताया था कि दे आर जनरली फिल्ड विद वॉटर एंड अदर वेरियस सब्सटेंसेस इन सोल्यूशन प्लांट सेल्स के वैक्यूल्स काफी बड़े बड़े होते हैं वो भी अ uh, पहले पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था इन प्लांट सेल्स द वैक्यूल्स आर यूजुअली लार्ज क्वाइट लार्ज एंड द लिक्विड विच दे कंटेन इज कॉल्ड सेल सैप वेरी इंपोर्टेंट प्लांट सेल के वैक्यूल्स काफी बड़े-बड़े होते हैं और उसके अंदर जो लिक्विड फिल्ड रहता है उसे हम सेल सैप बोलते हैं उस फिगर में आते हैं अभी सेल के देखो यहां पे कितना बड़ा ये वाला फिगर को देखो वैक्यूल लेबल किया मैंने ब्लू कलर का जो और इसके अंदर ये जो लिक्विड भरा हुआ है ये है सेल सैप सेल सैप तुम्हारा एनिमल सेल में भी वैक्यूल होता है लेकिन वो वैक्यूल छोटे साइज का होता है और उसमें भी लिक्विड भरा हुआ रहता है वाटर भरा हुआ रहता है लेकिन प्लांट सेल का जो वैक्यूल है वो काफी बड़ा होता है सेल तो सैप समझ में आ गया एन एनिमल सेल डज नॉट सच ठीक है इसके बाद जो न्यूक्लियस टॉपिक है जिसे हम कहते हैं या मानते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट सेल का क्या होता है न्यूक्लियस यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में Okay. God bless you, and press the subscribe button and also the bell button so that you don't miss the upcoming next lecture. God bless you. Take care.